नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह। आपने कितने बाबा के नाम सुने होंगे, कितने बाबा देखे होंगे, आपने इर्द गिर्द अपने बाबा देखे होंगे, आपने न्यूज चैनल्स पर बाबाओं के नाम सुने होंगे। कोई किसी चीज में महारथी होता है तो कोई किसी कला में महारथी होता है। आपने बाबाओं के नाम बाखूबी सुने होंगे, अनगिनत। लेकिन क्या आपने कभी एटीएम बाबा का नाम सुना है? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि एटीएम बाबा नाम है तो जरूर ये बाबा माला माल कर देने वाले होंगे। लेकिन आपको बता दें कि एटीएम बाबा खुद माला माल होने वाले बाबा हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि एक लुटेरा एटीएम बाबा सुर्खियों में है, लुटेरा एटीएम बाबा सुधीर मिश्रा, जिसे यूपी पुलिस ने 50 एटीएम मशीन से लूट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के खुदरी बाजार में एटीएम काट कर करीब 40 लाख रुपए चोरी करने वाले गैंग के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे बुधवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस के हत्थे चढ़ा गैंग का सरगना सुधीर मिश्रा उर्फ विजय उर्फ चुलबुल बिहार पुलिस का बर्खास्त सिपाही। पुलिस गैंग की सदस्यता उसकी पत्नी रेखा को तलाश रही है। एटीएम बाबा का देश भर में नेटवर्क बना हुआ है। वो अकेले काम नहीं करता है, वह गुर्गों की मदद से मेवातियों को शामिल कर देश के अलग अलग राज्यों में एटीएम काट कर रकम पार करने का ग्रोह चला, करोड़ों का साम्राज्य बना रखा है। मामले में अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खुर्दी बाजार स्थित, आपको बता दें कि एसबीआई के एटीएम को काटकर चोरों ने 3 अप्रैल को उसमें रखे करीब 40 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। बदमाशों की कार के नंबर से पुलिस ने गैंग को ट्रेस किया और पूर्व में गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,13,000 रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में सामने आया था कि गैंग का सरगना बिहार के छपरा स्थित रिवलगंज थाने के महमूद परसा गांव निवासी सुधीर मिश्रा उर्फ बुलबुल उर्फ एटीएम बाबा है। वारदात में उसकी पत्नी रेखा भी शामिल थी। बुलबुल बिहार पुलिस का बर्खास्त सिपाही है। उसकी पत्नी रेखा मौजूदा पंचायत मुखिया है। डीसीपी दक्षिण की सर्विलेंस और सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को बुलबुल को बिहार में उसके घर में जमकर जिस तरीके से धोया और दबोच लिया। पुलिस उसे बुधवार को लखनऊ लेकर आई और जेल भेज दिया। पुलिस का दावा है कि उसकी पत्नी उसे चकमा देकर भाग गई। बिहार पुलिस का सिपाही बुलबुल आपराधिक गतिविधियों के चलते ही पहले सस्पेंड हुआ था, उसके बाद बर्खास्त कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि जेल में राजस्थान के मेवाती गैंग के संपर्क में आने के बाद उसने एटीएम में लूट और चोरी के गुर गैंग के सदस्यों से सीखे और एटीएम बाबा के नाम पर अपना गैंग बना डाला। इसने बिहार में दर्जनों लोगों को ठगा। इसके खिलाफ यूपी और बिहार के विभिन्न थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड सुधीर उर्फ एटीएम बाबा ही है, जिसने पूरी साजिश को अंजाम दिया। इंजीनियरिंग की थी, सबसे बड़ी बात इंजीनियरिंग की थी। बड़ी भूमिका पुलिस के मुताबिक ये इंजीनियरिंग की रही। और सराय, आप साफ तौर पर अपार्टमेंट में रहने वाला आरोपी सर्वेश पांडे एटीएम के कैश लोड करने का काम करता था। उसको जानकारी रहती थी कि किस एटीएम में कितनी रकम है। आपको बता दें कि सर्वेश सरगाना सुधीर के भाई नीरज का करीबी था। सर्वेश ने नीरज से ही लखनऊ में वारदात को अंजाम देने की बात की थी। तब नीरज ने सर्वेश को सुधीर से मिलवाया था। सुधीर ने पूरी साजिश रची और वारदात को अंजाम दिलवा दिया। अब सोचिए, हम कह दें कि चोर अनपढ़ होता है, चोर गवार होता है, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता वो चोरी में लग जाता है। लेकिन यहाँ तो सरकारी नौकरी वाला एक व्यक्ति किस तरीके से एटीएम बाबा बन जाता है। सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति, उसकी पत्नी जो है वो पंचायत की मुखिया है, वो इसमें शामिल हो जाती है। यानी कि ये जो थ्योरी थी, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि चोरी करने वाला व्यक्ति ठग और इस तरीके के एटीएम बाबा कोई अनपढ़ या गवार होगा। सोचिए, एक पढ़ा लिखा सरकारी व्यक्ति
जिसकी पत्नी पंचायत की मुखिया वो इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है, अपना एक नेटवर्क बनाता है और इस तरीके के साफ तौर पर अपराध करता है, तो लोगों की चिंताएं बढ़ जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल के पढ़े लिखे ही इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।